नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पाकिस्तान ने हमारे देश के दो भारतीयों को पकड़ लिया है। पाक मीडिया के हवाले से पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि ये दोनों भारतीय बिना पुख्ता कागजों के पाकिस्तान में घुस गए थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसे लेकर पाकिस्तान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें ये भारतीय शख्स सहमा हुआ सा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में पकड़े गए इन दोनों लड़कों में से एक हैदराबाद का है, जबकि दूसरे के मध्य प्रदेश के होने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान ने जो वीडियो जारी किया है उसमें लड़का अपनी लोकल भाषा यानी कि तेलुगु में बात करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि शुरुआत में लड़का सहमा हुआ सा नजर आता है। वीडियो को पाकिस्तानी अथॉरिटी के लोग ही शूट कर रहे हैं। शुरुआत में भारतीय लड़का पूछता है कि क्या मैं अपनी मातृभाषा में बात कर सकता हूँ, जिसकी इजाज़त मिलने के बाद लड़का अपना माता पिता के लिए एक वीडियो संदेश जारी करता है। भारत से मदद मांग रहे इस लड़के का क्या कहना है, आप भी सुनिए। Are you recording? Yes, I was recording. Can I speak in my own mother tongue? Yes, yes, of course. Mummy, daddy, baagunnara. Ikkada anta baane unde. Ippudu na court ki teeskochcharu. Police station nunchi court ki teeskochcharu. Ante nenu em masral em problem ledanne declare ayin tarvata nannu ikkada court ki teeskochcharu. Ippudu jail ki pampistaru. Oka jail nunchi Indian embassy ki contact chesi మళ్ళీ అక్కడ కాంటాక్ట్ చేయడం అవుతుంది, అప్పుడు పంపిస్తారనమాట. అప్పుడు మీతో కాంటాక్ట్ చేస్తే అవుతుంది, అంటే ఇంకో 1 మంత్లో మ్యాక్సిమం రిలీజ్ అయిపోవచ్చు. ఇండియా వాళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారనమాట. చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు కోర్టుకి తీసుకొచ్చారు, కోర్టు నుంచి జైలుకి పంపిస్తారు. జైల్లోనే మళ్ళీ బెయిల్ ఇప్పించడానికి ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అప్పుడు మీతో కాంటాక్ట్ చేయడానికి అవుతుంది. ओके। हालांकि भारत सरकार ने अब तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सवाल है कि अगर ये लड़के हमारे हैं तो क्या अब ये आसानी से पाकिस्तान से छूटकर वापस भारत आ पाएंगे? क्योंकि कुलभूषण जाधव के मामले में लगभग ऐसा ही कुछ हुआ था, जिन्हें पाकिस्तान ने पकड़कर जासूस तक करार दे दिया था और फांसी की सजा तक सुना दी थी। हालांकि वो विवाद भी जारी है। इन लड़कों के वीडियो के सामने आने के बाद हमारे फाइटर पायलट अभिनंदन वर्तमान का भी वीडियो याद आता है, जहां उनका वीडियो भी पाकिस्तान से ही सामने आया था और हंगामा हो गया था। बड़ा दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? क्या ये लड़के वापस भारत पहुंच सकेंगे? अगर आपको कुछ कहना है नीचे अगर कॉमेंट सेक्शन में भी बात लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।